देखिए हमारा मैट्रिक्स स्पेस का चैप्टर 3 है, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट एंड क्लोजर। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एडेरेंट पॉइंट क्या होता है। तो एडेरेंट पॉइंट क्या होता है, देखिए जैसे एक्स टी को एक हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, एक्स टी मान लीजिए को एक मैट्रिक्स स्पेस है और इसमें सबसेट है हमारा ए, कैपिटल ए हमारा सबसेट है। अब इसमें बोला गया कि ए को एक ऐसा एलिमेंट है एक्स का जो कि इसमें लाई करेगा और उसको सेंटर मान के और रेडियस कुछ भी मान के और फिर हम स्फीयर बनाएंगे। तो देखिए जैसे कि ए हमारा कोई एक मान लीजिए एलिमेंट है एक्स का, ठीक है, एक्स का एलिमेंट होना चाहिए। तो एक्स का एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देन फिर क्या कि ये हमारा सेंटर रहेगा और इससे कुछ हमारे लिए रेडियस मानेंगे, कितना भी रेडियस मान सकते, बड़ा छोटा इतना बड़ा भी। तो ये हम रेडियस मान के हम स्फीयर बना रहे हैं, यहाँ पे स्फीयर बना दिए। तब बोला गया क्या कि एडहेरेंट पॉइंट में क्या होगा कि ए जो हमारा है तो ए का एलिमेंट इस स्फीयर में लाइक करना चाहिए। जैसे ही ए का एलिमेंट स्फीयर में लाइक करेगा तो बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है जो स्मॉल ए है वही हो जाएगा हमारा एडहेरेंट पॉइंट, किसका, ये कैपिटल ए का। ठीक, देखिए ए और ये क्या कि ए जो हमारा है वो खुद भी लाई हो सकता है, ये खुद भी लाई हो सकता है या फिर अदर एलिमेंट्स भी लाई हो सकता है ए का। तो इस स्फीयर में जैसे ही लाई होगा तो बोल देंगे कि ए जो हमारा है वो क्या हो, एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा ए का। ठीक है, देन और ये क्या हो सकता है कि ए यहाँ भी लाई कर सकता है। देखिए जैसे कि ये हमारा स्मॉल ए है तो एक्स में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस एक्स में लाई कर रहा है, फिर इससे हम कुछ रेडियस ले स्फीयर बना दिए। देखिए यहाँ पे स्फीयर बना दिए, तो स्फीयर बनाए तो अब देखिए क्या इस स्फीयर में ए का एलिमेंट लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, तो हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि ये जो ए है वो एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है ए का, नहीं हो सकता, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो इस स्फीयर में लाई नहीं कर रहा। वही अब क्या करेंगे कि स्फीयर को हम थोड़ा सा रेडियस को बड़ा कर लेते हैं, स्फीयर बड़ा बना देते हैं। देखिए जैसे कि रेडियस हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे हम बड़ा कर लेते हैं और स्फीयर बना देते हैं। जैसे स्फीयर बनेगा तो देखिए यहाँ का जो एलिमेंट है ए का, जो यहाँ का एलिमेंट है वो स्फीयर में लाई कर रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि ए जो हमारा है वो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा ये कैपिटल ए का। ठीक, तो चलिए इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है और इसको हम कॉन्टेक्ट पॉइंट भी बोलते हैं और एडहेरेंट पॉइंट भी होता है। तो लेट ए बी, देखिए कैपिटल ए, ए बी एनी सबसेट, सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस का कोई ए सबसेट है, मैट्रिक्स स्पेस क्या एक्स डी। देन फिर क्या कि एक पॉइंट लेते हैं किस एक्स से, अ पॉइंट ए स्मॉल ए ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का कोई एक पॉइंट रहेगा ये हमारा, ठीक, इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। कब बोलेंगे इसको, तो इफ एवरी, इफ एवरी ओपन स्फीयर, इससे स्फीयर बनाएंगे और स्फीयर बना के फिर क्या होता है कि ए का एलिमेंट इस स्फीयर में लाई करना चाहिए, तो एवरी ओपन स्फीयर, स्फीयर एवरी ओपन स्फीयर क्या होगा कि सेंटर्ड एट ए, सेंटर्ड एट ए, ए को सेंटर मान के एंड कुछ रेडियस मान के, तो सेंटर्ड एट ए कंटेन करेगा क्या, कंटेंस अ पॉइंट ऑफ ए का पॉइंट, हम ए का पॉइंट कुछ कंटेन करेगा इस स्फीयर में। ठीक है, तो इस स्फीयर जब बनाएंगे तो उसमें ए का पॉइंट कुछ लाई करना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ए है वो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा कैपिटल ए का। ठीक, देन और क्या हो सकता है कि देखिए ये हम लिख सकते हैं क्या कि जो ये हमारा क्या होता है ओपन स्फीयर का जो होता है, तो डेल क्या ए आर मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए ये सेंटर हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, तो ये जो हमारा है इसका इंटरसेक्शन अगर करे किसके साथ, ए और सिंगलटन ए के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू फाई, ये हमारा फाई का इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ पे लाई करेगा। ठीक, तो ये होता है हमारा एडहेरेंट पॉइंट। तो एडहेरेंट पॉइंट का ही दो टाइप्स होता है क्या, आइसोलेटेड पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट को सीखने से पहले हमें एडहेरेंट पॉइंट सीखना पड़ेगा, एडहेरेंट पॉइंट क्या था।
तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है। अब देखिए इसका टाइप्स होता है आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, तो आइसोलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस था, देखिए यहाँ पे एक्स डी ये हमारा मैट्रिक्स स्पेस था, ए हमारा क्या था सबसेट था, ठीक है। और क्या है कि ए जो हमारा है स्मॉल ए हम एक्स लिए हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिए हैं सॉरी ए ले लिए, इसको सेंटर मान के हम कुछ रेडियस लेके तो देखिए यहाँ पे हम स्फीयर बना रहे हैं। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स में क्या होता है कि ओनली फॉर ए एलिमेंट ही लाई करना चाहिए इसमें, इस स्फीयर में जो हमारा है। तो ए का जो एलिमेंट है कैपिटल ए का एलिमेंट है ओनली फॉर ए ही होना चाहिए और इसके अलावा कुछ स्फीयर में नहीं होना चाहिए। अगर ओनली फॉर ए ही रहता है तभी हम बोल सकते हैं इसको आइसोलेटेड पॉइंट है ये हमारा, ठीक। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन इसका, क्या कि एन एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट ए, ए तो हमारा एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा ऑफ अ सबसेट, सबसेट किसका ए का, कैपिटल ए का, ठीक है, ऑफ एक्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट ही बोलेंगे, कब बोलेंगे इसको आइसोलेटेड पॉइंट, इफ एनी ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर क्या करेगा सेंटर्ड एट ए, ए को सेंटर मान के फिर हम स्फीयर बनाते हैं, तो सेंटर्ड टी सेंटर्ड एट क्या ए, ए को हम सेंटर मान के हम स्फीयर बनाए, ठीक। एंड ये क्या करेगा कंटेंस, कंटेंस देखिए सेम डिफिनेशन जा रहा है तो याद करने का उतना मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम सेम लिखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो कंटेंस क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे कंटेंस देखिए नो पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट कंटेन वो नहीं करेगा ओनली फॉर क्या ए के अलावा, वो ए खुद इटसेल्फ रहेगा, ठीक है, ए खुद रहेगा वो पॉइंट, ए का पॉइंट हो जाएगा वो खुद और अदर्स पॉइंट जो है वो कंटेन नहीं करेगा, तभी हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो ए कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है, अदर देन ए इटसेल्फ, ए ही उसमें रहेगा बाकी अदर्स पॉइंट नहीं रहेगा उस स्फीयर में, तभी हम बोल सकते हैं ए जो होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा कैपिटल ए का, ठीक। ये हो गया और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि देखिए डेल ऑफ ए आर जो स्फीयर बना है, ठीक, उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए माइनस सिंगलटन ऑफ ए के साथ, ठीक। तो ये क्या हो रहा है कि इक्वल टू फाइव हो जा रहा है, ये फाइव कैसे हो जाएगा क्योंकि ओनली फॉर ए ही रहेगा देखिए और अदर्स एलिमेंट नहीं रहेगा, ए सब में क्या हो सकता है अदर्स एलिमेंट लाई कर सकता है, तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू फाइव, और यहाँ पे अदर्स एलिमेंट लाई नहीं करेगा ओनली फॉर ए ही करेगा, तो इक्वल टू ये हमारा फाइव हो जाएगा। और फोर सम आर ग्रेटर देन जीरो मीन्स क्या कि रेडियस ही तो लेते हैं, कुछ भी रेडियस ले सकते हैं, बड़ा छोटा कितना भी बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं। तो देखिए ये फोर सम आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देन फिर क्या कि अब आगे हमारा लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट क्या होता है वो देखिए, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या होता है कि देखिए एक्स टी को एक मैट्रिक्स स्पेस है हमारा, एक्स टी को एक हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक, और इसमें ए जो है हमारा सबसेट है। और फिर क्या कि स्मॉल ए लेते थे हम एक्स से, तो स्मॉल ए हम एक्स से लेंगे, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए और कुछ रेडियस लेके हम स्फीयर बना दिए, तो इसमें क्या होगा कि ए का जो है एलिमेंट ये जो हमारा स्मॉल ए है उसके अलावा भी कोई एक एटलीस्ट कोई एक और एलिमेंट इसमें लाई करना चाहिए। जब लाई करेगा तभी हम बोल सकते हैं ए जो हमारा होगा वो क्या होगा कि लिमिट पॉइंट हो जाएगा ए का, ठीक, ए के अलावा, ए के अलावा यहाँ पे एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है,
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो लाई करना ही करना चाहिए ए के अलावा। और जैसे ही जैसे कि था कि आइसोलेटेड में क्या था कि ओनली फॉर ए लाई कर रहा था, अदर्स एलिमेंट लाई नहीं कर रहा था, लिमिट पॉइंट में क्या होगा कि ए तो रहेगा, उसके अलावा भी कोई एक और एलिमेंट रहेगा जो कि इस स्फीयर में लाई करेगा, तभी हम ए को बोल सकते हैं क्या कि ये हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा ए का। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि n एडहेरेंट पॉइंट ठीक, n एडहेरेंट पॉइंट क्या कि a ऑफ अ सबसेट a का, आपका सबसेट a ऑफ x इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट किसका, लिमिट पॉइंट जो बोलेंगे तो क्यों बोलते हैं, इफ एवरी ओपन स्फीयर, ये हमारा स्फीयर बनेगा वो क्या कंटेन करेगा, ओपन स्फीयर जो बनेगा तो ए को हम सेंटर मान के ही बनाते हैं ओपन स्फीयर, तो लिख देते हैं सेंटर, सेंटर्ड एच ए पे सेंटर्ड हम माने हैं, ठीक है। एंड ये जो हमारा कंटेन करेगा वो क्या करेगा, ए के अलावा भी कोई और एलिमेंट कंटेन करेगा, तो कंटेन्स कंटेन्स वन मेंबर, कंटेन्स क्या है कि एटलीस्ट वन मेंबर, सॉरी कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर अदर देन ए, कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ए अदर देन ए। देखिए जैसे था हमारा मैट्रिक्स स्पेस था ना ये हमारा, ठीक, यहाँ पे ए कोई एक सबसेट था, एक्स डी का कोई सबसेट था, और ए मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इससे कुछ रेडियस बना लिए, रेडियस जैसे ही बनाए तो रेडियस लेके फिर हम स्फीयर बना दिए, देन फिर क्या कि इसमें ए तो कंटेन करेगा ही करेगा, ए में देखिए ए कंटेन कर रहा है, उसके अलावा भी कोई एक और एलिमेंट कंटेन करेगा, एटलीस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक्स हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, और भी कुछ अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कुछ भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट जैसे ही इसमें कंटेन करेगा स्फीयर में, तब हम बोल सकते हैं कि ए जो हमारा होगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा कैपिटल ए का, ठीक। तो ये हो गया हमारा लिमिट पॉइंट। देन देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि देखिए जो डेल ऑफ ए आर जो होगा, मीन्स हमारा स्फीयर होगा, उसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, ए माइनस सिंगलटन ए के साथ, ठीक है, ए माइनस सिंगलटन ए के साथ करेंगे, तो वो क्या होगा कि ये जो है वो डज नॉट इक्वल टू फाइव, मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है जो लाई कर रहा है यहाँ पे, तो ये डज नॉट इक्वल टू फाइव हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, एडेरेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं, या फिर आइसोलेटेड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमारा वन है, वन बाई टू, वन बाई थ्री, इसी तरह ये हमारा दिया हुआ है, ठीक। एंड देन फिर क्या कि इंटरवल जो हमारा है, इंटरवल देखिए क्या दिया हुआ है कि इंटरवल हमारा जीरो और वन जो है वो इंटरवल है, ठीक है। देन ये ए इक्वल टू, तो ये हमारा इंटरवल दिया हुआ है। देन फॉर एडहेरेंट पॉइंट के लिए, ये एडहेरेंट पॉइंट के लिए दिया हुआ है, फॉर एडहेरेंट एडहेरेंट पॉइंट, तो ये हमारा एडहेरेंट पॉइंट के लिए दिया हुआ है। देन फिर क्या करना है कि इसमें देखिए ये तो हमारा सेंटर मानेंगे इसको, तो वन पहले एक बार सेंटर मान लेते हैं, वहां से स्फीयर बनाते हैं, जैसे कि हमारा एक्स डी को एक मैट्रिक्स स्पेस है, देखिए एक्स डी को एक मैट्रिक्स स्पेस है, और ए हमारा यहाँ पे सबसेट है, तो ए में ही ये सब कंटेन कर रहा है वन, ठीक है, और वन बाई टू, वन बाई थ्री, ये सब कंटेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखिए ये एडहेरेंट पॉइंट के लिए बोला गया जीरो और वन ओनली फोर, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है मीन्स स्फीयर, यहाँ पे हम कुछ सेंटर मानेंगे और फिर वहां से स्फीयर बनाएंगे, तो देखिए जो सेंटर मानेंगे उससे स्फीयर बनाएंगे, और उसमें क्या कि ए का पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, लाई जब करेगा तो वो तो एडहेरेंट पॉइंट हो ही जाएगा, जीरो या वन कुछ दो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा,
तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लिखते हैं, देखिए सिंस टेल जो हमारा होता है मीन्स क्या कि स्फीयर जो हमारा बनता है ओपन स्फीयर, तो डेल तो सेंटर किसे मानते हैं, पहले वन को मानते हैं, और रेडियस हम कुछ भी मान सकते हैं, 0.1 मान लेते हैं रेडियस हमारा है, ठीक। देन देखिए इसका क्या होता था कि हम कैसे निकालते थे, ए माइनस आर और ए प्लस आर को ओपन स्फीयर का क्या होता था, ए माइनस आर और ए प्लस आर होता था, ऐसे निकालते थे। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है कि ए देखिए सेंटर हमारा वन है और माइनस क्या है कि 0.1, और ये है हमारा 1 + 0.1, ये टर्म हो गया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये 1 - क्या हो जाएगा 0.1, मीन्स हम बोल सकते हैं क्या कि ये 0.9 हो जाएगा, 0.9, और ये टर्म हो जाएगा हमारा 1.1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा टर्म है ये इंटरवल हो गया 0.9 और 1.1, तो ये जो इंटरवल है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, मीन्स क्या कि वन जो हो जाएगा वो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा, इसका एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा ए का, एंड देन वन जो है वो क्या आइसोलेटेड पॉइंट भी होगा। कैसे, देखिए वन जो यहाँ पे, वन तो इसका एलिमेंट है ही, ए का एलिमेंट है, ठीक। यहाँ पे देखिए 1, 1/2, 1/3, तो ए का तो एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर देखिए वन इज एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, वन एडहेरेंट पॉइंट है, ठीक। एंड देन वन जो हो जाएगा आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा, तो आइसोलेटेड पॉइंट कैसे हो जाएगा, ऐसे ओनली फॉर वन ही देखिए यहाँ पे लाई करेगा इस स्फीयर में। कैसे कि 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5 है, 0.9 से ही स्टार्ट है 1.1 तक, 1/3 क्या होगा उससे भी छोटा हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा, तो उससे छोटा 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 जाएगा, तो 1 एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, तो 1 ही देखिए यहाँ पे लाई कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं 1 जो हो जाएगा वो हमारा आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि तो एंड लिख सकते हैं 1 इज आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट 1 जो होगा वो हमारा आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। इस तरह क्या कर सकते हैं कि 0 सेंटर मान के और फिर अगर हम स्फीयर बनाएं तो देखिए उसमें क्या होता है, देखिए जैसे डेल और यहाँ पे 0 माने और कुछ रेडियस ले लेते हैं, जैसे 0.1 ही ले लेते हैं रेडियस, तो इसका क्या होता है वही होता सेम a माइनस आर और a प्लस आर इस फॉर्मेट में। तो देखिए a हमारा क्या है कि 0 है, तो 0 - 1.1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 0 + 0.1, ये टर्म हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 0 में माइनस कर रहे हैं 0. यहाँ पे 1 को, मीन्स क्या हो जा रहा है हमारा ये टर्म माइनस 0.1 ही रह जाएगा, ठीक। एंड देन ये क्या कि एडिंग कर रहे हैं तो 0.1 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए क्या कि 0 एडहेरेंट पॉइंट है, देखिए माइनस 0.1 से हमारा 0.1 तक जा रहा है, मींस 0 तो बीच में आएगा कहीं ना कहीं, 0 तो आएगा, तो 0 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया था a इक्वल टू 0.1 फॉर एडहेरेंट पॉइंट, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 0 इज एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, एटलीस्ट ये पॉइंट तो लाइक है, जैसे कि हम स्फीयर बनाते थे यहाँ पे 0 मान के ही बना रहे, कुछ रेडियस लिए और यहाँ से बनाए, तो ये एटलीस्ट तो इसमें लाइक कर रहे हैं, तो ये जब लाइक कर रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो 0 हो जाएगा वो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा इस चीज का। और फिर क्या कि 0 जो है देखिए इसके बाद क्या कि हमारा माइनस 0.1, माइनस 0.1 से 0.1 मीन्स क्या कि देखिए 1 तो इसके बीच में नहीं आ रहा, 1/2 तो 0.5 नहीं आएगा, 1/3 तो उससे कुछ कम होगा, उससे कुछ कम होगा, तो वो सब लाई करेगा क्योंकि 1/3 का वैल्यू जो होगा, 1/4 का वैल्यू, 1/5 का वैल्यू, तो सबसे छोटा 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 होते जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो कम से कम एटलीस्ट ये दोनों का इंटरवल में जरूर लाई करेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा ए का जो यहाँ पे ये दोनों इंटरवल में लाई करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 0 है वो क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा ए का, ठीक है। क्योंकि लिमिट पॉइंट में क्या होता था देखिए यहीं पे कि ए के अलावा भी कोई और एलिमेंट लाई करता था, तो यहाँ पे 0 के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ए का जो लाई करेंगे इस इंटरवल में, ठीक। तो लिख सकते हैं एंड क्या कि 0 इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देखिए 0 जो हो जाएगा वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा ए का। देखिए इस एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा कि लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे, फिर एडहेरेंट पॉइंट और देन आइसोलेटेड पॉइंट,